हेलो लवली लेडीज़ मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में पीरियड्स क्या होते हैं कौन सी एज से स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स के पीरियड्स कौन सी एज तक रहते हैं और अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं मिस हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के थर्टीन ईयर्स की एज से लेके फिफ्टी ईयर्स तक की जो एज होती है इसको रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है विमेन की तो नॉर्मली क्या होता है कि थर्टीन की एज से ज़्यादातर लड़कियों के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद ये हर महीने कंटिन्यूसली पीरियड्स आते रहते हैं करीब फिफ्टी ईयर्स की एज तक इसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं हर महीने रिप्रोडक्टिव एज की लेडीज़ को तीन से चार दिन के लिए करीब ब्लीडिंग होती है वेजाइना में से इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है या फिर पीरियड्स भी बोला जाता है तो ये रेगुलरली हर महीने आते हैं पीरियड्स हैं ज़्यादातर महिलाओं में 28 डेज की साइकिल होती है अगर हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पीरियड का जो पहला दिन होता है उससे लेके अगले पीरियड का जो पहला दिन होता है इसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है जनरली लड़कियों को हर ट्वेंटी एट डेज पे पीरियड आ जाता है लेकिन इसमें दो तीन दिन आगे पीछे हो सकते हैं नॉर्मल है ज़्यादातर लेडीज के साथ होता है तो एग्जैक्टली ट्वेंटी एट डेज की बजाय कई बार थर्टी टू डेज की भी साइकिल हो जाए या ट्वेंटी एट डेज थोड़े एक दो दिन पहले पीरियड आ जाए वो भी नॉर्मल होता है तो इस तरीके से जो पीरियड्स आते हैं हर महीने करीब तीन चार दिन तक ब्लीडिंग होती है तो इसमें नॉर्मली ट्वेंटी मिली से लेके सिक्सटी मिली ब्लड लॉस हो जाता है गर्ल्स के हर महीने जो ये तीन से चार दिन के लिए लड़कियों को ब्लीडिंग होती है वजाइना के थ्रू ब्लड आता है इसको मैनेज करने के लिए पहले के ज़माने में कपड़ा यूज़ किया जाता था कपड़े को फोल्ड करके अच्छे अच्छी तरीके से कई सारे फोल्ड्स बना के उसको लड़कियाँ यूज़ करती थी जिससे कि ब्लीडिंग को मैनेज किया जा सके और इधर उधर स्टेन्स ना लगे दाग धब्बे ना लगे लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज के जिनको कि आजकल यूज किया जाता है ये काफी कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें गीलापन नहीं महसूस होता है इन पैड्स में जनरली कॉटन होती है अंदर ब्लड को एब्जॉर्ब करने करने के लिए और जो अच्छी क्वालिटी के पैड्स आते हैं उनमें जनरली जो ऊपर जो लेयर होती है वो ऐसी होती है जो कि ब्लड को या फ्लूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद फिर वापस सरफेस पे आने नहीं देती तो उसकी वजह से कपड़ों में जैसा गीलापन महसूस होता था वैसा इन पैड्स के साथ गीला नहीं महसूस होता है और काफ़ी कम्फर्टेबल ये रहते हैं दूसरा ये कई साइज़ के आते हैं जैसे कि कुछ लड़कियों को कम ब्लीडिंग होती है किसी किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस केस में ट साइज के सैनिटरी पैड्स भी आते हैं अगर ब्लीडिंग कम हो रही है तो कम साइज का सैनिटरी पैड यूज कर सकते हैं और अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो बड़े साइज के पैड्स भी अवेलेबल होते हैं उनको यूज किया जा, जा सकता है तरीके से आज के जमाने में पीरियड्स को मैनेज करना काफी ईजी होता है सैनिटरी पैड्स की हेल्प से एक बार जब एक सैनिटरी पैड फुल हो जाता है यूज के बाद तो इसको एक पेपर में रैप करके अच्छी तरीके से फोल्ड करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है डस्टबिन में इसको फ्लश नहीं करना होता है Uh, सीधे डस्टबिन में ही डिस्पोज ऑफ करना होता है पर अच्छी तरीके से उसको कवर करके उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ़ करिए कई सारे सैनिटरी पैड्स जो आते हैं उनमें तो आजकल साथ में डिस्पोजेबल बैग्स भी आते हैं ब्लैक uh, कलर के होते हैं जनरली उसमें उसको फिल करके फोल्ड uh, करने के बाद फिल करके उसको डस्टबिन में फेंका जा सकता है अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में ओल्ड न्यूज यूज किए जा सकते हैं इसको फोल्ड करके रैप करके थ्रो अवे करने के लिए तो इस तरीके से हमने जाना कि पीरियड क्या होता है अभी जो आना जरूरी है कि पीरियड क्यों होता है फीमेल uh, बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको कहा जाता है इंग्लिश में इसको हिंदी में गर्भाशय या बच्चेदानी भी बोलते हैं जब लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, तो बेबी जो होता है वो इसी ऑर्गन में ग्रो करता है और यही ऑर्गन बेबी को सपोर्ट करता है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है तो इस प्रेगनेंसी के इवेंट की प्रिपरेशन के लिए यूट्रस अपने आप को हर महीने तैयार करता है हर महीने उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो थिक होती जाती है मोटी होती जाती है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो मैंटेन रहती है मतलब गिरती नहीं है झड़ती नहीं है शेड ऑफ नहीं होती है मैंटेन रहती है और उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती है ये शेड ऑफ कर जाती है यानी कि गिर जाती है और साथ में आ, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी होती है इस तरीके से ब्लड और म्यूकस का डिस्चार्ज विज़ाइना के थ्रू हो जाता है ब्लीडिंग हो जाती है तो ये करीब तीन से चार दिन तक ब्लीडिंग रहती है हर महीने और नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट मैंट्रल साइकिल में फिर से यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेग्नेंसी के लिए अगेन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है और यूट्राइन लाइनिंग शेड ऑफ कर जाती है अब हम बात कर लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उस कंडीशन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो कि यूट्राइन लाइनिंग को शेड ऑफ़ नहीं करने देते हैं और यूट्राइन लाइनिंग मेंटेन रहती है पूरी प्रेगनेंसी भर तक और वहाँ पर वो बेबी को बेबी की ग्रोथ को सपोर्ट करती है तो यानी कि अगर पीरियड मिस होता है तो ये भी इसका एक कारण होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर पीरियड नहीं आता है और पूरी नॉर्मल नाइन मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें पीरियड्स नहीं आते हैं कई लड़के को पीरियड्स के टाइम पे काफ़ी पेन होता है डिस्कम्फर्ट होता है बेड रेस्ट लेना पड़ जाता है ये ख़ासतौर पर जब पीरियड्स नए नए स्टार्ट होते हैं तेरह साल की उम्र के बाद और टीन ग्रुप में जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए सिकाई करी जा सकती है इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने पीरियड के दौरान पेट में दर्द क्यों होता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर मेरा एक वीडियो है इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी आप उसको देख सकते हैं अगर आपको भी पीरियड में प्रॉब्लम होती है तो पीरियड के टाइम पे जो पेन होता है डिस्कम्फर्ट होता है उसको मेडिकल लैंग्वेज में डिसमिनोरिया कहा जाता है जनरली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये डिसमिनोरिया की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती है और आमतौर पर देखा गया है कि मैरिज के बाद शादी के बाद स्पेशली बेबी हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है जिन लेडीज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी को इतनी प्रॉब्लम हो हर गर्ल को इतनी प्रॉब्लम हो पीरियड्स के दौरान लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है और किसी किसी को पेन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है जिसके लिए बेड रेस्ट भी लेना पड़ता है तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए